नगद प्राइज 11,000 और ट्रॉफी से इनको नवाजा जा रहा है हमारे अतिथियों के द्वारा। कोटा बुखरा में चल रही है 19वीं फुटबॉल प्रतियोगिता, हमारी पहली ये जीत है। 19 सालों में हम पहली बार जीते, हमारा मलाल था कि हम कोटा बुखरा में पहली बार विनर बने। 19 सालों में पहली बार हुआ है ऐसा। 16 टीमें भाग लेती हैं हमारे ग्रामीण अंचलों में, जिसमें हमारा हम सातवीं बार विनर बने। मेरा नाम राजेंद्र बुखर, गांव गोठड़ा बोखरा नई, पूर्व सरपंच हूँ। और ये जो हमारे टूर्नामेंट चल रहे हैं यहाँ गांव में, फुटबॉल के बहुत प्रेमी, फुटबॉल के खूब नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं। बाकी गांव के और सभी सहयोगी भाइयों की मदद से यहाँ 4 दिन का 19वीं बार टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें खाना और चाय पानी ये सब निःशुल्क व्यवस्था है, चाहे गाँव का हो चाहे आए हुए मेहमान हो। तो ये सभी के लिए शहीदों के याद में 19वीं बार ये प्रतियोगिता हो रही है। इनका आयोजन कौन करवा रहा है? ये आयोजन ग्रामीण के जनसहयोग और ग्राम के कुछ भाई यूथ क्लब बालाजी क्लब के नाम से है, तो ये सब भाई मिलके करवा रहे हैं। जो आज का ये जो मैच चल रहा है, ये किन किन, ये फाइनल मैच है, ये पादरी वर्सेज रियासर, ये फाइनल चल रहा है आज। आज ये समापन है। विजेता टीम को क्या इनाम की घोषणा की गई? विजेता इनाम को ट्रॉफी और 11,000 रुपये नगद, उपविजेता को 7100 रुपये और ट्रॉफी, और कार्यकर्ताओं को मोमेंटो और ड्रेस। हाँ, मेरा नाम विद्याधर सिंह भूखर है। मैं वैसे गवर्नमेंट स्कूल में शारीरिक शिक्षक हूँ और इस टूर्नामेंट का मैं प्रतियोगिता संयोजक हूँ। और ये फुटबॉल हमारे जो गांव में विरासत में मिला है, ये विद्यालय परिसर का मैदान है, यहीं से सारे खिलाड़ी निकले हैं। और कोई पुलिस में, फौज में, शिक्षा विभाग में, कोई कलर कैसे भी नौकरी कर रहे हैं। और इस खेल मैदान से जो नेशनल टूर्नामेंट हैं उनमें भी हमारे 8-10 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी है, बीसी राय ट्रॉफी है, स्कूली नेशनल है, स्टेट। तो बहुत यहाँ हर घर में आपको एक बच्चा स्टेट प्लेयर मिल जाएगा। और ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट है फुटबॉल का, 19वीं बार। और अनाम उत्सर्ग शहीद देश और मेरे गांव से भी जो हुए हैं उनकी याद में हम करवाते हैं ये, उनको सच्ची श्रद्धांजलि के बतौर हम खेल मेले का आयोजन करते हैं। और आसपास के अंचल की 21 टीमें इस बार टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। सभी टीमों को निःशुल्क खाना है और चाय पानी की पूरी सुविधा यहाँ इनको मिलती है। ये हमारा जो श्री बालाजी विकास समिति एवं यूथ क्लब है, रजिस्टर्ड है, उसके तत्वावधान में कराया जाता है। और इस टूर्नामेंट में जो फाइनल मैच चल रहा है वो स्थानीय टीमें ही हैं, पालड़ी और यालसर के बीच। और टूर्नामेंट में शानदार प्राइज भी दी जाती है हमारे इस यूथ क्लब के द्वारा, 11,000 रुपये और नगद हैं और ट्रॉफी है। और जो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सीरीज है, उनकी भी अलग से ट्रॉफी है और उनको भी इनाम है। हमारे यहाँ जो इस खेल मैदान को चलाने में जो सहयोग करते हैं, कार्यकर्ता हैं, रेफरी पैनल है, उन सबको हम बाकायदा पुरस्कृत करते हैं। आर्थिक सहयोग है वो ग्राम की तरफ से भी होता है, बाहर से भी हमारे जो चीफ गेस्ट आते हैं सब हमें खुश होकर अच्छा आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम सुल्तान सिंह बुकर है। मैं इस टीम का मुख्य कोच और बाहर टीम का मैनेजमेंट भेजने का और बाहर खिलाने का काम मैं नहीं करता हूँ। वैसे मैं कृषि से बिलोंग करता हूँ, कोई कर्मचारी नहीं हूँ, और सारी जिम्मेदारी बच्चों की है। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पलथाना और पूर्व फुटबॉलर, ये जो गोठड़ा गांव है, ये यहाँ इस ग्राउंड ने बहुत दिग्गज खिलाड़ियों को जन्म दिया है। इस ग्राउंड पर खेलने वाले कई खिलाड़ियों ने संतोष ट्रॉफी भी खेली है। 25 साल पहले तो मैं भी इसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलना शुरू किया था। ये जो टूर्नामेंट है, हर साल ही इसी तरह ग्रामीण टूर्नामेंट है, वो 3-4 दिन के लिए करवाया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को भोजन पानी खाने की सारी व्यवस्था दी जाती है, उचित अच्छी तरह से इनाम दी जाती है सभी खिलाड़ियों को। और खेल को खेल की भावना के साथ, खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमारे इन खेलों में क्या है कि सरकार की कोई मदद नहीं रहती है, जिस कारण ये खेल पिछड़ रहे हैं। आज जो भी यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें गाँव के गणमान्य लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता है और खिलाड़ियों को पारितोषित वितरण दिया जाता है। धन्यवाद। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि जो आज के लोग हैं, वो युवा है, वो खेलों से दूर होते जा रहे हैं? आजकल के बच्चे जो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, इंडोर जैसे मोबाइलों में लगे रहते हैं, तो इसके बारे में आप क्यों? देखो, मैं खुद एक इस क्लब का
कोषाध्यक्ष हूँ और सक्रिय खिलाड़ी रहा हूँ। मैं सुपर टॉप कप भी खेल चुका हूँ। आज जब मैं देखता हूँ तो उस टाइम में और इस टाइम में काफ़ी फर्क है। हमारे टाइम जुझारू खिलाड़ी होते थे, मेहनत कश होते थे, मेहनत करते थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी खेल की इतनी ज़ोरदार खेलते थे। लेकिन इस टाइम के जो खिलाड़ी मेहनत नहीं करते, उस युवा में आज में काफ़ी अंतर यही है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास ग्राउंड भी नहीं होते थे, आजकल तो हर जगह हर गाँव में ग्राउंड भी है, खेलों की जो भी सामग्री होती है वो उपलब्ध होती है, उसके बाद बावजूद भी युवा खेलों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। नहीं देखो, बात ठीक है आपकी कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो है बच्चे अपना जो ये गेम छोड़ कर गए और सिर्फ मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, तो इनमें अमूमन अपन देखें तो अभिभावक जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। वो थोड़ा बच्चों को अपने बच्चों को इन इंडिविजुअल गेम में उनको थोड़ा रुचि बढ़ाएं तो है जो बच्चा वो आगे बढ़ेगा, वो कुछ समझेगा, कुछ देखेगा। अब बच्चे जो है खुद उनको मोबाइल दे दिया शुरू से अपन ने, तो वो मोबाइल के पीछे ही रहेगा बस बिल्कुल भी। अब जब अपन बच्चे को निकालेंगे बाहर भाई इन गेम्स में, फुटबॉल वॉलीबॉल इनके प्रति उसकी जागरूकता बढ़ाएंगे तब बच्चा आगे बढ़ेगा। जो आजकल जो चल रहा है ना मोबाइल पे वो खतरे की घंटी है, और जो ग्रामीणों में ये चल रहा है ना गेम वो बेस्ट है। रियल में गेम होता है वो खेलना चाहिए, मोबाइल में जो गेम है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और वैसे भी हानिकारक है। मैं शिव भगवान भूतपूर्व फुटबॉलर है और मैंने 1992, 1993, 1994 संतोष रूपये खेली हुई है और गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करता रहूँगा और आगे भी ऐसा ही ये चल रहा है प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। 21 टीमें अपने यहाँ आई हैं और बहुत ही अनुशासनिक तरीके से सबने अपना खेल का अच्छा प्रदर्शन किया है और यांगसर टीम जो हमारी आज की विजेता रही है उसे मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। इसके साथ पालड़ी जो हमारी बराबर की टक्कर देने वाली टीम थी उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैंने एक अभियान चला रखा है 1983 से, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना है अपने जीवन काल में लगाए या अपने जन्मदिन पर लगाए, जब भी आपको खुशी का मौका मिले तो उस समय आप एक पेड़ लगाए। और आज इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना नहीं कहना चाहूंगा घोषणा प्रोग्राम की टीम की कहना चाहूंगा, उनमें इस 2 साल में हमने एक नया प्लेयर देखा है और जिनका खेल भी बहुत शानदार था, अंकित बुखर। वो शायद खेलकर्ताओं की नजर में न आए, आयोजकों की नजर में न आए, लेकिन उसका खेल वाकई सुंदर था और उनको मैं मेरी ओर से 500 रूपये का पारितोषिक देना चाहूंगा। बहुत अच्छा खेल दिखाया, थोड़ी सी उम्र कम होने के कारण जो मन में भय होता है वो था,